नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मोरेना के सबलगढ़ कॉलेज की परीक्षा में खुलकर नकल, सीसीटीवी में एक दूसरे की कॉपी से उत्तर लिखते दिखे परीक्षार्थी। कॉलेज परीक्षा में नकल के मामले न सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि खुलेआम और धड़ल्ले से नकल हो रही है। ताज़ा मामला सबलगढ़ कॉलेज का है, जहां परीक्षा के दौरान खुलेआम हो रही नकल स्कूल के सीसीटीवी कैमरों में ही कैद हो गई है। हैरानी यह भी है कि कॉलेज प्रबंधन नकल रोकने में खुद को सक्षम भी नहीं मान रहा। सोमवार को कॉलेजों में बीएससी, बीकॉम में प्रथम व दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं थी। सबलगढ़ कॉलेज में सबलगढ़ से लेकर श्योपुर जिले के वीरपुर तक के 4 निजी कॉलेजों का भी परीक्षा सेंटर बनाया गया है। इनमें शिवशक्ति कॉलेज सबलगढ़, महाराणा प्रताप कॉलेज गुलालई, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट, डबल आईआईटी कॉलेज बेरई और श्योपुर जिले के वीरपुर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज है। सबलगढ़ कॉलेज में चल रही परीक्षा में करीब 300 छात्र छात्रा शामिल हो रहे हैं, जिनमें से करीब 70 छात्र सबलगढ़ कॉलेज के हैं, बाकी सभी निजी कॉलेजों के हैं। मुरैना जिले के ठाठीपुरा में एक दर्जन ग्रामीण डायरिया की चपेट में, कुएं के पानी से बीमारी फैलने की आशंका। कैलारस की ग्राम पंचायत ठाठीपुरा में रविवार की शाम अचानक ही ग्रामीण बीमार होना शुरू हो गए। एक एक कर एक दर्जन से अधिक बच्चे, महिलाएं व पुरुष उल्टी दस्त की चपेट में आ गए। कुछ ग्रामीण कैलारस अस्पताल पहुंचे तो गांव में बीमारी फैलने का पता चला। इसके बाद सोमवार को डॉक्टरों की टीम कैलारस व मुरैना से गांव में पहुंच गई। ग्रामीणों के पीने के पानी का स्रोत पता किया तो पता चला कि ग्रामीण एक कुएं के पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके पास ही तालाबनुमा दूषित पानी भरा है, जिससे अनुमान लगाया गया कि इस तालाब का पानी कुएं तक पहुंचने से यह स्थिति बनी। इसके बाद कुएं में दवाएं डाली गई और ग्रामीणों का इलाज शुरू किया गया। इंदौर में आज भी बरस सकते हैं बादल, इस बार जुलाई में औसत से ज्यादा बारिश की संभावना। इंदौर जिले में जून की औसत बारिश का कोटा पूरा हो गया है, हालांकि शहर में एयरपोर्ट क्षेत्र में कम बारिश हुई है। मौसम विज्ञानियों का अनुमान है कि जुलाई में इस बार औसत से ज्यादा बारिश होने के आसार है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल इंदौर 10 साल में सर्वाधिक बारिश का रिकॉर्ड बना था। इस साल जुलाई के पहले दिन इंदौर की धीमी रफ्तार रही, लेकिन मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस माह बारिश की गतिविधियां लगातार बढ़ेंगी और अच्छी बारिश होगी। इंदौर में जुलाई में औसत बारिश 298.2 मिमी होती है। इंदौर में वाहन चालक फटाफट पार सकेंगे विजय नगर चौराहा, ट्रैफिक पुलिस ने किया ये काम। इंदौर शहर के विजय नगर चौराहे पर अभी कार व अन्य वाहनों को ज्यादा समय तक सिग्नल पर रुकना पड़ता है। इस चौराहे से वाहनों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस व इंदौर नगर निगम ने काम शुरू कर दिया है। सोमवार को चौराहे पर लेफ्ट टर्न के लिए चौराहे के चारों ओर सीमेंट के प्रीकास्ट बैरियर रखे गए हैं, ताकि चौराहे पार करने वाले व लेफ्ट टर्न की ओर जाने वाले वाहनों को राह अलग अलग व सुगम हो सके। अभी चौराहे पर सिग्नल की एक ओर जो वाहन खड़े होते हैं, उन्हें 75 से 90 मीटर की दूरी तय कर चौराहा पार करना पड़ता है। ज्यादा दूरी होने के कारण वाहनों को अभी चौराहा पार करने में ज्यादा समय लगता है। अब इस दूरी को कम कर 50 मीटर किया जाएगा। शुरुआत में अस्थायी स्टॉपर रख धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ाकर देखा जाएगा कि वाहन चालक चौराहा कितने समय में पार करते हैं। इससे यहां खड़े रहने वाले वाहन सिग्नल की टाइमिंग से आसानी से इसे पार कर सकेंगे। भोपाल में आ जाएगा शहर सरकार का बजट, जनता पर नहीं बढ़ेगा करों का बोझ। शहर सरकार का प्रस्तावित वार्षिक बजट मंगलवार को महापौर मालती राय द्वारा नगर निगम परिषद की बैठक में रखा जाएगा। इससे पहले विपक्ष ने नगर सरकार को पीएम आवास सहित कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है। एक तरफ जहां 2200 करोड़ का बजट होगा तो वहीं प्रॉपर्टी, जल व मनोरंजन कर नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए कांग्रेस पार्षदों ने बैठक कर रणनीति बना ली है। 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे आउटसोर्स कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी अपनी मांगों व समस्याओं के निराकरण के लिए भोपाल में एकजुट होंगे। यहां NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले 2 व 3 जुलाई को प्रदर्शन किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने सामूहिक अवकाश पर रहने की सूचना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को दे दी है। NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने बताया कि 2 जुलाई को मंत्रियों और विधायकों को उनके निवास पर ज्ञापन सौंपकर प्रमुख मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई जाएगी। दोपहर 12 बजे सभी जिलों के आउटसोर्स कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय भोपाल के सामने एकत्रित होंगे। 3 जुलाई को सुबह 9 बजे प्रदेश भर के आउटसोर्स कर्मचारी बोर्ड ऑफिस चौराहे पर एकत्रित होंगे।
सुबह 10 बजे से पैदल मार्च निकालकर विधानसभा की तरफ जाएंगे व विधानसभा सत्र के दौरान हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। रेलवे ने 14 समर स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के यात्रियों को मिलेगी सुविधा। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से रेल मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव के साथ गुजरने वाली 14 ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनों के फेरे पुनः विस्तारित की गई है। सभी 14 ट्रेनें पूर्वानुसार ही चलेंगी, यानी इन स्पेशल ट्रेनों के मार्ग, आगमन, प्रस्थान समय, दिन, कोच कंपोजिशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ट्रेन के बढ़े फेरों के लिए टिकटों की बुकिंग आज से PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो गई है। भोपाल में बालिका सुधार गृह की खिड़की तोड़कर भागी 4 नाबालिग। शहर के नेहरू नगर इलाके में स्थित बालिका सुधार गृह से सोमवार सुबह 4 नाबालिग बालिकाएं खिड़की तोड़कर भाग गईं। सुबह प्रार्थना के दौरान जब सभी बालिकाओं की हाजिरी ली जा रही थी, तब इनके गायब होने की जानकारी बालिका सुधार गृह के प्रशासन को मिली। दिनभर की खोजबीन के बाद शाम 7 बजे बालिका सुधार गृह प्रशासन द्वारा कमला नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बालिका सुधार गृह में चारों नाबालिग करीब 4 से 6 महीने पहले आई थी। चारों की उम्र 16 से 17 वर्ष के बीच है। सोमवार सुबह 6 बजे उठकर उन्होंने सुधार गृह की वार्डन से अलमारी की चाबी मांगी थी। उसके बाद से वे परिसर में दिखाई नहीं दी। वहीं 7 बजे प्रार्थना और नाश्ते के समय सभी बालिकाओं की अटेंडेंस ली जाती है, जिसमें चारों नाबालिग मौजूद नहीं थी। जबलपुर सहित संभाग के जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा के साथ अच्छी वर्षा की संभावना। मानसून अब मेहरबान हो गया है। पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर ही सही पर कभी रिमझिम फुहारे तो कभी झमाझम वर्षा से वातावरण में नमी के साथ ही हल्की ठंडक घुल गई है। धूप और उमस भरी गर्मी से नागरिकों को राहत मिल रही है। मौसम भी सुहाना हो गया है। सुबह से बादल छाए रहे, दोपहर में रिमझिम फुहारे पड़ी तो झमाझम वर्षा ने शहर को भिगो दिया। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में 4 मौसम प्रणालियां मजबूती के साथ सक्रिय है। इनके प्रभाव से जबलपुर सहित संभाग के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा और गरज चमक के साथ अच्छी वर्षा की संभावना है। पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम देती है शानदार रिटर्न, 100 रुपए भी कर सकते हैं निवेश। सरकारी संस्थानों में निवेश को काफी बेहतर माना गया है। इन संस्थानों की इन्वेस्टमेंट स्कीम में मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर न सिर्फ अच्छा रिटर्न मिलता है बल्कि ब्याज दर भी काफी अधिक होती है। डाक विभाग भी ऐसी कई इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रहा है जिसमें निवेश किया जा सकता है। निवेशकों के लिए डाक विभाग एक बहुत अच्छी स्कीम लेकर आया है जिसमें निवेश कर आप 80,000 रुपए तक रिटर्न पा सकते हैं। इस स्कीम का नाम है पोस्ट ऑफिस RD। इसमें आप 100 रुपए से निवेश कर सकते हैं जबकि अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। खास बात यह है कि इसमें आप नाबालिग के लिए भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके लिए माता पिता को डॉक्यूमेंट के साथ अपना नाम देना आवश्यक होता है। पुणे में जीका वायरस के बढ़े मामले, अब तक 6 लोगों में पुष्टि। गर्भवती महिलाओं को खतरा अधिक। पुणे में जीका वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सोमवार को 2 और मरीजों के सामने आने के बाद इस वायरस से पीड़ित लोगों की संख्या 6 पर पहुंच गई है। 2 नए मरीजों में गर्भवती महिलाएं शामिल हैं। ये दोनों महिलाएं एरंडवाने और मुंडवा की रहने वाली हैं। पुणे में सबसे पहले एक डॉक्टर और उसकी नाबालिग बेटी में जीका वायरस की पुष्टि हुई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र से सैंपल इकट्ठा किए, साथ ही अधिकारियों ने भी क्षेत्र का दौरा किया था। पुणे नगर निगम PMC की स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कल्पना बालिवंत के अनुसार पुणे से 25 सैंपल इकट्ठा किए गए थे। इनमें से 12 एरंडवाने क्षेत्र से लिए गए। जिन लोगों के सैंपल इकट्ठा किए गए थे उनमें 7 गर्भवती महिलाएं थी, जिनमें से 2 महिलाओं में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। बता दें कि गर्भवती महिलाओं को जीका वायरस से अधिक खतरा रहता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्षेत्र में स्कैनिंग कर इसके प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही इन क्षेत्रों में निगरानी भी की जा रही है। दोबारा शुरू होगी आकांक्षा, जनजातीय विद्यार्थियों को मिलेगी निजी कोचिंग। इंदौर में नीट, भोपाल में JEE और जबलपुर में क्लैट की होगी तैयारी। कोरोना काल में बंद हुई आकांक्षा योजना को प्रदेश सरकार दोबारा शुरू करने जा रही है। इस बार योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग विषय की तैयारी करवाने की तैयारी है। बता दें कि यह योजना 2018 से 19 में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई थी। इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शासन की ओर से कराने का प्रावधान किया गया था, लेकिन कोरोना काल में योजना बंद हो गई। अब उसको शासन के निर्देश पर फिर से शुरू करने की तैयारी जनजातीय कार्य विभाग ने शुरू कर दी है। इसमें जनजातीय विद्यार्थियों को मेडिकल, इंजीनियरिंग और कानून की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं JEE,
नीट और क्लैट की तैयारी करवाने के निःशुल्क कोचिंग दिलवाई जाएगी। एमपी बोर्ड के 9वीं कक्षा में नामांकन के लिए समग्र आईडी जरूरी, 30 सितंबर तक होंगे नामांकन। एमपी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9वीं में विद्यार्थियों के नामांकन में समग्र की अनिवार्यता को इस बार फिर से कर दिया है। ऑनलाइन नामांकन आवेदन में अब पीसी रजिस्टर के आधार पर भरी गई जानकारी के आधार और समग्र आईडी में उल्लेखित जानकारी के आधार पर नामांकन होंगे। 9वीं के विद्यार्थियों के नामांकन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। आपके सेविंग अकाउंट में कितने दिनों से नहीं हुआ ट्रांजैक्शन, आज ही जांच लें, क्योंकि पीएनबी ने दिया है यह झटका। यदि आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो यह खबर आपके लिए काफी अहम है। दरअसल आज से पंजाब नेशनल बैंक ने कई सेविंग अकाउंट्स को बंद कर दिया है। इनमें वे खाते शामिल हैं जिसमें 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक ने 3 साल से इनएक्टिव अकाउंट्स को बंद कर दिया है। 3 साल की गणना 30 अप्रैल 2024 तक होगी, यानी इससे 3 साल पहले तक जिन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है उन्हें बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही ऐसे अकाउंट जिसमें जीरो बैलेंस है उन्हें भी बंद किया गया है। सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ समेत छोटी बचत योजनाओं पर अपडेट। केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए बदलाव नहीं किया है। जुलाई से सितंबर 2024 से 25 तिमाही के लिए पीपीएफ पर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.2% ब्याज मिलता रहेगा। केंद्र सरकार स्मॉल सेविंग स्कीमों की ब्याज दरों पर निर्णय लेने से पहले लिक्विडिटी और महंगाई को देखती है। हालांकि छोटी योजनाओं पर ब्याज दरों की हर तिमाही समीक्षा की जाती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी चुकाना होगा जीएसटी। जानिए कितना टैक्स वसूलेगी सरकार। सोशल मीडिया के बढ़ते क्रेज और इससे होने वाली कमाई को देखते हुए सरकार ने इन प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। ऐसे में अब आय के हिसाब से उन्हें जीएसटी चुकाना होगा। जिन क्रिएटर्स की वार्षिक आय 20 लाख रुपए, विशेष श्रेणी के राज्यों में 10 लाख रुपए से अधिक है उन्हें जीएसटी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। सामान्यतः डिजिटल कंटेंट और विज्ञापन सेवाओं पर 18% जीएसटी लागू होता है। यह दर समय समय पर सरकार द्वारा संशोधित की जा सकती है।